चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। माँ, पापा की मौत के बारे में क्या बोल रही थी दीदी को आप? चुप कर, मैं बस ये बोल रही थी कि तुम्हारे सर पे तुम्हारे पापा का हाथ तो नहीं है। कुछ इधर उधर हरकत करोगी तो मैं एक अकेली माँ कैसे संभालूंगी तुम्हें? कहीं हमेशा के लिए वामिका को मैं खो ना दूं। अब तुम जाओ, पढ़ाई करो। कहाँ जा रहे हैं आप? तुमसे मतलब? तुम्हारी बेटियां बड़ी हो गई हैं अब, और तुम इस उम्र में भी अपना शौक पूरा करने उस चुड़ैल पायल के पास जा रहे हो। तो बेटियां बड़ी हो गई तो क्या मैं अपनी लाइफ जीना छोड़ दूं? और तुम होती कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये मत भूलो। मैंने वो हक तुमसे कब का छीन लिया है? बस इन दोनों बेटियों के लिए हम एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं, नहीं तो मैं कब का तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के अपनी पायल के पास चला जाता। अच्छा, मुझसे तो आप कभी प्यार किए ही नहीं, पर अपनी बेटियों के लिए आपके दिल में कुछ भी नहीं है क्या? जब उन्हें पता चलेगा कि आप फिर से उस पायल के साथ संबंध रखने चले गए हैं तो उनपे क्या बीतेगी? अगर वो दोनों भी गलत राह पे चलने लगे तो मैं कैसे संभालूंगी उन्हें? ओह, चुप करो, बेटियों को कैसे पता चलेगा? हाँ, वो दोनों तो सो रहे हैं अपने कमरे में। जरूर तुम उन्हें मेरे बारे में उल्टा सुल्टा बोल के भड़काती रहती हो, तभी तो वामिका हर वक्त मुझ पे नजर रखे बैठी है। बड़े अजीब हैं आप, वामिका कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में है वो और सब समझती है। आपका चोरी छुपे घर से रात को चले जाना और छुट्टी के दिन भी उसी पायल के घर पे जाकर रहना, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। अभी से संभल जाइए, नहीं तो वामिका कहीं आपको मुंह पे ही ना सुना दे। चलाट, वामिका का बहाना देकर मेरे सामने हमेशा खड़ी हो जाती है। मैं हर हाल में पायल के पास रहने जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ तू कैसे रोकती है मुझे। प्लीज, बच्चों के खातिर मेरा कहा मान लीजिए, हमारा बसा बसाया घर बिखर जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, प्लीज मत जाइए उसके पास। मेरे सामने ये रोने का एक्टिंग मत कर, क्योंकि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जाइए, जो करना है कीजिए, मैं आज से आपको कभी नहीं रोकूंगी। समझा के थक चुकी हूँ मैं, थक चुकी हूँ। बेहतर होगा अगर तुम मुझसे बात भी करना बंद कर देगी तो। हेलो, हाँ पायल, बोलो। डार्लिंग, तुम कब आ रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सुनो ना, 1000 रुपए की सख्त जरूरत है, आते वक्त ला सकते हो? क्या बोल रही हो? हेलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाहर बड़ी तेजी से बारिश हो रही है, इसलिए नेटवर्क नहीं है घर के अंदर। मैं छत के ऊपर जाकर तुम्हें कॉल करता हूँ, ओके? मर क्यों नहीं जाती वो चुड़ैल? मेरे पति को सालों से मुझसे छीन के रखी है, बस पैसे लूटती रहती है इनसे, और ये पागल उसके पीछे दीवाना होकर घूम रहे हैं। एक दिन जरूर ये इंसान ये घर बार सब उसके नाम पे लिख देगा और मैं अपनी बेटियों के साथ रास्ते पे भीख मांगती रहूंगी। हाँ पायल, ठीक है, मैं जाते जाते 20,000 रुपए ले लूंगा घर से। और कुछ चाहिए तुम्हें? और बस तुम चाहिए, जल्दी आओ ना प्लीज। I'm coming darling। वामिका, तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू तो सो रही थी ना। आप कहाँ जाने वाले हैं पापा? देख बेटी, अगर तुझे सच पता चल ही गया है तो ये भी जान ले कि मैं तेरी माँ के साथ हरगिज नहीं रहना चाहता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके पास जाना है मुझे। आप माँ को छोड़ के नहीं जा सकते पापा, माँ आपकी वजह से बहुत रोती है। चुप कर और हट जा मेरे सामने से। जाना है आपको, सच में जाना है आपको, बोलिए पापा। हाँ, एक बार मैं सुनाई नहीं दिया तुझे, जाना है मुझे। तो जाइए।
हमेशा के लिए चले जाइए हमारे लाइफ से। ये क्या हो गया? हे भगवान, इनकी तो सांस नहीं चल रही, अब मैं क्या करूं? वामिका, तू वहां पे चुपचाप क्यों खड़ी है? वामिका, पापा नीचे कैसे गिरे? चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने धक्का दे दिया इन्हें, जिंदा रह के हमें बस तड़पा रहे थे और आपको रुला रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया। क्या वामिका, ये क्या कर दिया तूने? क्यों वामिका, क्यों? और क्या करती माँ, पापा को जाना था उस पायल के पास, इसीलिए मैंने भेज दिया इन्हें। जो हमारा नहीं वो और किसी का क्यों होगा? चुप कर, पागल हो गई है क्या? पापा को जान से मार डाला तूने, अब होश में आ। मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे कोई कुछ भी पूछे तो बस इतना ही बोलना कि मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे कुछ पता नहीं। अब जा, अंदर चली जा, बाहर मत निकलना। उसी दिन से मेरी भामिका पागल सी हो गई है। मुझे लगा था बड़ी होगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर नहीं, उसकी पागलपंती तो बढ़ती ही जा रही है। सुबह हो गई, अब मुझे निकलना चाहिए। त्रिशान के घर के बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी कि कब वो दोनों ऑफिस जाएंगे, फिर जाऊंगी मैं घर के अंदर उस बुढ़ी का काम तमाम करने। वामिका बिना देर किए एक टैक्सी लेकर त्रिशान के घर के तरफ निकल पड़ी और उधर, माँ जी अब हम निकल जाएंगे, आप अपना ध्यान रखना, और हाँ जल्द ही आपका वीजा प्रोसेस करवा के हम आपको अपने पास बुला लेंगे। अरे नहीं माही, मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम दोनों जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, और हाँ जल्द ही गुड न्यूज देना मुझे, फिर मैं आ जाऊंगी तुम दोनों के पास। माँ आई मिस यू, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे इतना समझा रहे हो तुम दोनों। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आती हूँ। माँ जी आप इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगी? इसमें तकलीफ क्या उठाना, गाड़ी में बैठ के ही तो जाना है, पैदल थोड़ी जाऊंगी, और वैसे भी ये घर तो खाली कर दिया है हमने, तुम्हें एयरपोर्ट में छोड़ के मैं अपने भाई के पास गोरखपुर चली जाऊंगी। हाँ माँ फिर ठीक है, मैं मामा जी को कॉल करके एयरपोर्ट ही बुला लेता हूँ, आप वहीं से चली जाएंगी। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। त्रिशान, माही और उनकी माँ तीनों एयरपोर्ट निकल पड़े और कुछ ही देर बाद वामिका इनके घर पे पहुंची। कब से बेल मार रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा, कहाँ चले गए सब? इतनी जल्दी तो ऑफिस भी नहीं गए होंगे। सारा सामान तो ट्रक में लोड हो चुका है, अब गाड़ी निकालते हैं। ओनर बोले हैं गोरखपुर पहुंचाना है सारा सामान, और वो भी जल्दी। हाँ हाँ चल, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम और आंटी गुस्सा करेंगी। एक्सक्यूज मी भैया, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो त्रिशान रहता है वो कहाँ है अभी? अरे मैडम जी, त्रिशान सर तो फॉरेन चले गए अपनी पत्नी को साथ में लिए, और उनकी माँ अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई। और इस घर में? इस घर में अब कोई नहीं रहता, अब पूरा खाली पड़ा है। घर खाली कर दिए और त्रिशान फॉरेन चला गया, पर कहाँ? आयरलैंड, दोनों पति पत्नी आयरलैंड चले गए। ए चल जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। माही, अब से एक नई लाइफ शुरू हो जाएगी हमारी। हाँ बस तुम और मैं, वामिका का साया भी नहीं पड़ेगा हम पे। हार गई मैं, पूरी तरह से हार गई। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसे किए, मेरे त्रिशान को मुझसे छीन लिए। अब मैं जीना नहीं चाहती, उसके बगैर एक पल भी जीना मुश्किल है मेरे लिए। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।